वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शालिग्राम पूजन का भी अपना एक खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसी के साथ शालिग्राम जी को कुछ चीज़ें चढ़ानी चाहिए इस दिन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मोक्ष चैनल पर। चैनल बनाए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी बहुत ही पावन तिथि मानी गई है। एक साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं जिसमें सभी का अपना महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है, इसके साथ पापों का नाश होता है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर शालिग्राम की पूजा का भी काफी महत्व है। वहीं इस दिन अगर भगवान शालिग्राम पर कुछ खास चीजें अर्पित की जाएं तो जीवन में शुभता का आगमन होता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उनका स्नान कराने के बाद उन्हें गोपी चंदन का लेप लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए इस दिन शालिग्राम जी का चंदन लेपन जरूर करें, गोपी चंदन चढ़ाएं, इसके बाद पंचामृत भी चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी पर शालिग्राम भगवान को पंचामृत अवश्य चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम भगवान को पंचामृत चढ़ाने से वो काफी प्रसन्न होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां समाप्त होती हैं। लेकिन इसके बाद ध्यान रखें कि पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य डालें, अक्षत और तुलसी पत्र चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम को अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस तिथि पर शालिग्राम जी को चावल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आर्थिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। खबर के अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि हमने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है ऑनलाइन मौजूद वेबसाइट्स और इंटरनेट पर मिली हुई जानकारी के आधार पर दी है, मोक्ष चैनल की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी ऐसी जानकारी ना छूट पाए और आप तक हर एक वीडियो पहुँचे।